नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों हमारे इस खास और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस राशि वालों, माता दुर्गा की कृपा से, माता दुर्गा के आशीर्वाद से और दोस्तों आपके लिए आज का दिन हम बहुत ही दोस्तों खास बताने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं और बहुत ही जरूरी बात बताने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से, इस राशिफल के माध्यम से बता दे कि एक्स पार्टनर दोस्तों करेगा, याद आएगा उसका कॉल और आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी दोस्तों आएगा कि आपने कभी भी नहीं सोचे होंगे। जी हाँ, तो सारी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको मिलने वाले हैं और हम आपको सुनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं और इस राशि वालों के लिए हर एक एक जानकारियां आज दोस्तों हम बताने वाले हैं। जी हाँ, कहते हैं आपकी जिंदगी में यह शादीशुदा औरत आने वाली है आपके लिए इतनी बड़ी दोस्तों चमत्कार आने वाले हैं कि पूरी गरीबी ही आपकी जिंदगी से कटने वाले हैं। जी हाँ, आपकी जिंदगी से दोस्तों गरीबी कटने वाले हैं और आपके जीवन में एक से एक बढ़कर दोस्तों खुशियां प्रारंभ होने वाली हैं। आपने बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं, आपने बिल्कुल ही सत्य सुन रहे हैं और आपके लिए यह जानकारियां बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यह जानकारियां बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों आपको सुनना और जानना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आपके लिए बता दे कि दोस्तों यह औरत खुद आपकी जिंदगी में जुड़ने के लिए आपके करीब आएंगे। जी हाँ, आपको देने वाली है प्यार और शारीरिक सुख। इस महिला के मन में दोस्तों आपके प्रति इतना प्यार है कि दोस्तों आपको चाहकर भी नहीं बुला सकते हैं। जी हाँ, इनके जिंदगी में दोस्तों आपके जैसे कोई भी शामिल नहीं है। अब दोस्तों आपको शामिल करके अपने जीवन का में धन्य हो जाएंगे। आपकी जैसा प्यार करने वाले दोस्तों इन्हें जीवन काल में शायद ही मिलेंगे। और अब दोस्तों यह आपको अपनी जिंदगी से जुड़ने वाली आपको भी जीवन काल में दोस्तों काफी फायदा होगा। इस महिला से जुड़ने का दोस्तों मौका आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है। यह महिला आपकी जिंदगी में प्यार की बारिश करने वाली है, साथ ही आपके जीवन काल में दोस्तों सारे कई सारे क्षेत्रों में या दोस्तों कई सारे ऐसे जगहों में एक से एक बढ़कर आपके जीवन में सुख प्राप्ति करवाते हैं। तो बता दे कि आपको इस महिला न लाभ पहुंचाएंगे कई सारे क्षेत्र में दोस्तों, जो परेशानियां हैं या दोस्तों आपके जीवन में कोई दिक्कत है तो वह परेशानियां एकदम सुलझाएं और आपको अनेकों प्रकार की सलाह देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बता दे कि ऐसे महत्वपूर्ण सलाह देंगे कि दोस्तों आपकी जीवन काल की सारी परेशानियां तुरंत गायब हो जाएंगे और इनकी वजह से जिंदगी में दोस्तों आप कई सारे क्षेत्र में मन मुताबिक लाभ पाएंगे। इनका जो प्यार है दोस्तों समय आपको जीवन काल में मिलने वाली है। जी हाँ, इसी समय में आपको प्राप्त होने वाले हैं। महिला खुद आपकी जिंदगी में जुड़ना चाह रही है, तो चलिए आपको विस्तार पूर्वक से सारी जानकारियां बताने का कोशिश करेंगे। और औरत आपको जिंदगी में कब और कैसे आने वाले हैं, किस तरह से दोस्तों आप इनकी पहचान करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यह भी बताने वाले हैं आज का दिन आपको कौन सी सावधानियां बरतना है, कौन से कार्य को आपको करने से बचना है, कौन से कार्य आपको इस समय करना है, ताकि दोस्तों आपकी जिंदगी में कोई भी बड़ी परेशानियां ना हो और आप जीवन काल में
दोस्तों एक ही बार में आपका जीवन का पुण्य हो जाए। जी हाँ, और बताएंगे आपको इस वीडियो में कि कैसे आपका दिन का फल आने वाले हैं, भविष्य में आपको प्राप्त हो, आपको कैसे दोस्तों जिंदगी में प्राप्त होगा, आपको एक से बढ़कर जिंदगी आपको कैसे दोस्तों बनेंगे, सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में बताने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस राशिफल के माध्यम से मित्रों बता दें कि अगर कोई भी सामान आपका असुरक्षित है तो उनको सुरक्षित रखें, नहीं तो कोई कीमती सामान चोरी होने की संभावना है। जी हाँ, किसी पुराने मित्र को याद करके आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। प्रेम संबंध में आपकी सरल एवं मधुर वाणी की कारण अत्यंत निकटता आ जाएंगे। आप एक दूसरे के प्रति ईमानदार से पेश आएंगे, ईमानदारी एक दूसरे के दिल को छू लेंगे, और दाम्पत्य जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आई दुरिया समाप्त होगी। परिवार में आपके लिए विशेष स्वास्थ्य एवं दोस्तों विशेष काम भी होगा, आपको बेहद ही खुशी होगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस समय आपके जीवन काल में एक विवाहित महिला मिलने आने वाली है, आपको दोस्तों बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है इस समय, करती है कुछ दिनों से करती है, और वह दोस्तों आपके लिए तड़प रही है। ऐसे में चलिए हम आपको इनके बारे में सारी जानकारी हम विस्तार पूर्वक बताते हैं, आपको किस तरह से मिलेंगे, कहां पर मिलने वाले हैं, किस तरह से इनकी पहचान करेंगे, तो बातें आपको ध्यान पूर्वक से समझिए और दोस्तों सुनिए। आपको बता दें कि यह खूबसूरत दोस्तों महिला से मुलाकात आपके घर से 1 किलोमीटर के भीतर में ही होने वाले हैं। इनका जो घर है आपके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर हो सकते हैं। चाहे दोस्तों आप इस समय जहां कहीं भी है, आपकी उस स्थान 1 किलोमीटर की दूरिया के भीतर इनमें मुलाकात होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, या औरत आपको देखेंगे तो इनके दिल की धड़कने तेज हो जाएंगे, आपसे अपने दिल की दोस्तों बात कहना चाहेंगे, लेकिन कहने में थोड़ा दोस्तों आपको शर्म आते हैं और आएंगे, लेकिन दोस्तों जब इन्हें यह चाहेंगे कि आपको किस प्रकार से खुशियां दोस्तों आएगी और किस प्रकार से आपके जीवन में चमत्कार आएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि अपने दिल की बात दोस्तों आप नहीं कह पाते हैं, आप दिल की बात दोस्तों जरूर कहोगे, और आपको बता दें कि आपको जीवन में इतनी बड़ी चमत्कार पहली बार ही साबित होने वाले हैं, पहली बार ही आपको मिलने वाले हैं, और इतनी बड़ी चमत्कार आपके जीवन में कभी भी पहले नहीं हुआ था। जी हाँ, जो कि आज होने वाले हैं, और आज से आपके जीवन काल में खुशी ही खुशी आने वाले हैं। और इस राशि के जातक के लिए बता दें कि कभी भी आपकी जिंदगी में दोस्तों किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, यह माता दुर्गा का कृपा और आशीर्वाद है, और आपको एक से एक बढ़कर पुण्य चीजें भी प्राप्ति आपको होगी। कहते हैं अगर आप कर्म अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, अगर आप किसी के लिए बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुने हैं, तो किसी के लिए आप कोई गलत काम ना करें, अगर किसी के लिए गलत काम करोगे तो बेटा आप बहुत ही ज्यादा पछताओगे, और एक दिन आपको पूबलम में पढ़ना दोस्तों आ सकता है, पूबलम में आप पढ़ सकते हैं। और जीवन में आप एक बात याद रखना, किसी को भी दोस्तों ऐसा चीजें ना बोले जो आपके प्रति दिक्कत हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल ही सही सुने हैं, आपने बिल्कुल ही सही दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से 100% हर जानकारियां दोस्तों आपको मिला है, तो बता
दे कि अगर मेरी यह सूचना पसंद आई हो तो कमेंट में आपसे भी एक बार हर हर महादेव। अवश्य देखें, जीवन काल आपका दोस्तों बदल जाएगा, एक से एक बढ़कर आपकी जिंदगी में खुशियां आएगा और कभी भी किसी भी तरह की दोस्तों जीवन में तकलीफ आपको देखने कोड़ोट नहीं मिलेगा। जी हाँ, यह मेरी आशीर्वाद है। और बता दें कि अगर मेरी सूचना आपको पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव, हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। महादेव आपकी सभी इच्छा पूर्ण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सच्चे मन से की गई है गए कार्य कभी व्यर्थ नहीं होता है। तो दोस्तों सच्चे मन से हर हर महादेव अवश्य लिखें और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त है, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे अच्छे जानकारी लाने के लिए। आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। कोई भी टोना टोटका या तांत्रिक क्रिया नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों इन सबको हाथों से कुछ नहीं होता। केवल सच्ची श्रद्धा से ईश्वर का नाम जप करो, ईश्वर को याद करो, बस यही आपके लिए बहुत बड़ा उपाय है। और दोस्तों चाहे आपके जीवन में कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी घमंड मत करना। और अगर जीवन में आपके पास 2 रोटी है तो वह भी बांट कर ही खाना। और दोस्तों कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना, क्योंकि कॉन्फिडेंस के लेवल पर ही आप इस जीवन में जीत सकते हैं। लेकिन कमेंट मत करना, क्योंकि दोस्तों घमंड रावण का भी नहीं चला था। और तब तो यह सब एक टाइप के एग्जाम्पल है जो ज्योतिष शास्त्र में दिए जाते हैं। और ध्यान रहे, जीवन में अगर आगे बढ़े तो फिर जो कुछ भी हो रहा है पच उसे नाना देखें, आप केवल अपना फोकस आगे की ओर करें, क्योंकि अगर आप पीछे देखेंगे तो आपके पीछे खींचने वाले बहुत मिलेंगे और बाकी आगे बढ़ाने वाला आपको कोई एक मिलेगा। और जीवन में जितनी भी परेशानी क्यों ना आए, लेकिन कभी भी घबराना, बल्कि शांति दिमाग से सभी कार्य करें और सबसे देवी देव देवताओं के आशीर्वाद से आपको सब कुछ मिलेगा और इन्हीं की कृपा से आप धरती पर आए हैं। और दोस्तों आपका केवल इस धरती पर कुछ ही लोग हैं जो आपको अच्छा चाहते हैं, वह ईश्वर और दूसरे आपके माता पिता। तो कभी भी इनका कुछ भी गलत ना करें और हमेशा इनके साथ रहें और कभी भी हार ना माने। और अगर कभी हार या डर लगे तो माता पिता के पास रहें और ईश्वर का स्मरण करें, तब आप फिर खुद देखेंगे कि आपको कोई पीछे रोकने वाला नहीं होगा। और दोस्तों वैसे तो आपसे भी जीवन करना बहुत अधिक समस्या आ रही हूँ, आपको कोई रास्ता कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, क्या करना सही है क्या करना गलत है, तो आप ऐसे किसी से ना पूछे कि क्या करना सही है क्या करना गलत है। आप बस एक किसी ऐसे गुरु के पास जाएं जो आपकी हर मुसीबत में आपका साथ देते थे और
हर किसी के गुरु होते हैं, आपके भी होंगे, तो उनसे जानकारी लेने में आपको हमेशा सही राय देंगे। और दोस्तों, अपने कार्य में ईमानदार रहे, जमकर मेहनत करें, क्योंकि जीवन में कभी भी कोई भी चीज पूरी नहीं मिलती, हमें अधूरी मिलती है, बाकी पूरी तो हमें ही करनी होती है। तो इसीलिए आपको चाहे जितना भी मिल जाए, लेकिन हमेशा मेहनत करते रहना। और दोस्तों, जीवन में आपको जितना भी मिल जाए, लेकिन अपनी नियत को कभी भी गंदा मत होने देना, नियत हमेशा साफ रखना, क्योंकि दोस्तों जीवन में खुशी लोगों को डोट कितना भी मिल गया, लेकिन कभी भी उनकी नियत साफ नहीं होती। पर दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल मत करना, आपके जीवन में जितना मिले उसमें ही प्रसन्न रहे और ईश्वर का नाम जप करते रहे और अधिक से अधिक पूजा पाठ करें और अपने मन को शांत रखें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल कोडोट सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी कृपा करें अवश्य लिखें, हमेशा दूर हो जाते हैं। और आज के दिन आपके जीवन काल में ऐसा ही होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और आपको हम यह भी बात बता दें कि जीवन में अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है, कोई भी छुपा हुआ शत्रु है जो आपको बार बार तंग कर रहा है, आपका जीना अगर हराम कर दिया है, तो उनसे भी आप लोगों को मुक्ति मिलने वाला है। दोस्तों, हम आपके जीवन के एक एक शत्रु आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा होने वाले हैं, यानी कि दोस्तों आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाने वाले हैं, क्योंकि उनके पापों का घड़ा भर चुका है। अब उन्हें अपने एक एक पापों का सजा ईश्वर देने वाले हैं। दोस्तों, इन 24 घंटे के भीतर आपके जीवन के सभी कांटे आपके रास्ते से दूर होने वाले हैं और आप अपने जीवन में वह सारी सफलताओं को यूं कहा जाए तो प्राप्त करने वाले हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते थे। दोस्तों, अब आपका रास्ता पूरी तरह से साफ है। अब आपके जीवन में हर एक कार्यों में सफलता मिलेगी, हर एक काम आपका पूरा होगा, लेकिन जीवन में जाने अनजाने में कोई ऐसी गलतियां ना कर बैठे जो आपकी गलतियां आपकी जिंदगी के बर्बादी का कारण बन सके, क्योंकि अक्सर आप जीवन में कभी कभी जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर लेते हैं जो आपके जीवन भर रुलाता है। और आपकी गलतियों के कारण दोस्तों आपको जीवन में बड़ी कष्ट झेलना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ गलतियां हैं जिन्हें आपको यह 24 घंटे करने से बचना होगा, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में खुशियों का एक बड़ा बम फूटने वाला है। लेकिन इस खुशखबरी को पाने के लिए आपको जीवन में थोड़ा बहुत सावधान भी रहने की आवश्यकता है होगी। जी हाँ दोस्तों, तो कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी होगी, किन किन गलतियों को करने से आपको बचना होगा, ताकि आपको जीवन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही कौन कौन सी खुशखबरी आप सभी को या 24 घंटे के भीतर मिलने वाले हैं, आपके जीवन काल में क्या क्या परिवर्तन भी होगा, कौन कौन से क्षेत्र में आपको शुभ लाभ मिलने वाले हैं, साथ ही आपका करियर, कारोबार, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, घर परिवार का माहौल, सभी क्षेत्र के लिए ईश्वर की कृपा से आज का दिन कैसा रहने वाला है, सभी बातें हम आपको बताएंगे। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे और सारी महत्वपूर्ण जानकारी को इकट्ठा करने का प्रयास करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान भोलेनाथ जी के जितने भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भोलेनाथ जी का नाम लेकर जरूर करें, साथ ही कमेंट
बॉक्स में प्रेम से और हृदय भावनाओं के साथ जय भोलेनाथ, जय ब्रह्मदेव और जय विष्णु देव जरूर लिखें। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे और आपके जीवन के सारे तकलीफ दूर होंगे और ईश्वर की कृपा हमेशा आप सभी पूर्ण करने वाले हैं, सारी कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपकी राशि वालों, हम आप सभी को बता दें कि तुम्हारे जीवन काल में कितनी बड़ी सफलता अब हाथ लगने वाला है, जो कि दोस्तों यह स्त्री तुम्हें भीतरी मन से बे इंतहा मोहब्बत करती है, लेकिन दोस्तों आपके सक्षम बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, इसीलिए बार बार बोल रही है कि बहुत डर लगता था तुमसे प्यार का इजहार करने में, इसीलिए चुपचाप रहती थी। आई एम रियल सॉरी बाबू, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें बहुत ही ज्यादा चाहने लगी हूँ। लेकिन दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आपको अपने सच्चे हृदय, सच्चे दिल और सच्चे मन से चाहने लगता है, तो आपको अपनी ओर आकर्षित होने की नया सक्षम उत्पन्न करने लगती है और यही स्त्री तुम्हारा सच्चा जीवन साथी बनने वाली है। इसी के साथ शारीरिक संबंध भी बनने वाला है। तो दोस्तों, आपकी राशि वालों, तो सबसे पहले दोस्तों आपको आज बता देते हैं कि अपना राशिफल कैसे रहने वाला है, अपना आज का दिन कैसे रहने वाला है तथा इस राशि की प्रेम, स्वास्थ्य, संपत्ति, नौकरी और व्यापार कैसे रहने वाला है। दोस्तों, यह सब संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने वाला है, तो इस वीडियो को आप आज बिल्कुल ही मिस ना करें दोस्तों, और शुरू से अंत तक एक बार अवश्य ही देख लें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के मध्य में बताई गई सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास रहने वाला है, जो कि दोस्तों ज्योतिष के द्वारा गणना करके आप सभी तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, ताकि आप सब सतर्क और सावधान हो सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि वालों, और आपको बता देते हैं कि आज राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक रहने वाला है। चंद्रमा दोस्तों कौन सी राशि पर संचार करने वाली है, और साथ ही सूर्योदय और सूर्यास्त भी कब होने वाला है। दोस्तों संपूर्ण तरह की जानकारी आपको प्राप्त होने जा रहा है, तो इस वीडियो को आज आधा अधूरा देखकर ना जाएं और शुरू से अंत तक एक बार अवश्य ही देख लें, क्योंकि दोस्तों अक्सर आप सब ऐसे करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देखकर आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी को कोई संपूर्ण तरह की जानकारी प्राप्त नहीं होता है, और जब तक संपूर्ण तरह की जानकारी प्राप्त नहीं होगा तब तक दोस्तों आप कोई शुभ कार्य भी नहीं कर पाएंगे, और अनजाने में गलती से कोई गलत कदम उठा लेते हैं, जिनसे दोस्तों आप सभी कोड़ोट बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत बड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आइए आखिरकार जानते हैं आज अपने जीवन काल में कौन सी परेशानियां आने वाली है, कौन सी समस्या या फिर दोस्तों कौन सी खुशखबरी आने वाले है। आज संपूर्ण तरह की जानकारी बताने जा रहे हैं इसी वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आज बता देते हैं अपनी राशि फलों के बारे में, अपनी राशि फलों में क्या होने वाली है, कौन सी समस्या और कौन सी परेशानियां आने वाली है। उनसे पहले दोस्तों, जिसका भी आज बर्थडे हो या शादी का साल गिरह हो, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों चलिए वीडियो कोडोट आरंभ करते हैं एक शुभ विचार से। तो किसी ने ठीक ही कहा है, दूर रहने वालों को भी सब कर देती है, जब दौलत बोती है तो सबकी बोलती बंद कर देती है। तो दोस्तों इस राशि वालों, आप सभी को हमारा आज का यह शुभ विचार कैसा लगा, यदि अच्छा लगे हो तो एक लाइक करना ना भूले दोस्तों, और हमारे चैनल पर
पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इस राशि वालों, चलिए अब आप सभी को बता देते हैं आज राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, राहु काल आज रहने वाले हैं दोपहर की 1:54 से 3:29 तक। उसके उपरांत दोस्तों, चंद्रमा आज कन्या राशि पर संचार करेंगे और साथ ही दोस्तों सूर्योदय आज सुबह की 6:02 में और सूर्यास्त शाम की 6:38 में होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस राशि वालों, चलिए अब आप सभी को बता देते हैं अपनी राशि फलों के बारे में तथा अपनी जीवन काल के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। तो दोस्तों, आपकी राशि वालों, आज अपने जीवन काल में कोई यात्रा अभी जटिल हो सकती है, इस स्थिति को अच्छा बनाएं। अगर धन का कोई नया स्रोत मिला है तो इसका सही से उपयोग करें। कोई पारिवारिक सदस्य किसी हानि या नुकसान का सामना कर रहा है, उनको सुने और सलाह आराम देने के लिए उनके साथ रहे। मित्रता अच्छाई को डोट बढ़ाती है और बुराई को विभाजित कर देती है, इस बात का आप आज अनुभव करेंगे। आपका अधिकतर समय मित्रों के साथ बीतेगा और इस समय को हमेशा याद रखेंगे। यह एक अच्छा अनुभव है। लोगों के साथ विनम्र होना सीखें, महत्वपूर्ण होना जरूरी है लेकिन अच्छा होना उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस राशि वालों, चलिए अब जानते हैं आप करियर के बारे में। अभी आपका खुशनुमा मूड और कला जैसे संगीत, नृत्य या फोटोग्राफी आपके लिए सहायक है। याद रखें, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। यह गुण आपको लोगों में लोकप्रिय बनाएंगे। आप अपने छोटे भाई बहनों या सहकार्यकर्ता के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उन्हें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। दोस्ती खुशियों को 2 गुना कर देती है जबकि दुखों को आधा कर देती है। आपके दोस्त आज आपका अधिकतर समय लेंगे जिनसे आपको खुशी होगी। अब आप कुछ मजेदार करना चाहते हैं, इसके लिए आप लॉन्ग एंड ड्राइव या पार्टी का भी सहारा ले सकते हैं। चढ़ाव और उतार जीवन का हिस्सा है, इसीलिए जीवन में सुख दुख दोनों ही स्वीकार करें। तो दोस्तों, इस राशि वालों, चलिए अब जानते हैं अपनी प्रेम संबंध के बारे में। अगर किसी पर जान छिड़क के हैं तो आज साहस करके बता दें, क्योंकि यह रिश्ता स्वयं स्वर्ग में बनाया गया है। अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो पत्र लिखे या संचार के अन्य संसाधनों का प्रयोग करें। बिजनेस पार्टनर को धन का घाटा होने से आपका आर्थिक जीवन भी डामाडोल हो सकता है। आज का दिन आपके और आपके दोस्त के लिए खास है। आज आप इस बात को अनुभव करेंगे कि दोस्ती खुशियों को डोट दुगुना करती है जबकि दुखों को कम कर देती है। याद रखें, आपका पार्टनर आपका सच्चा दोस्त है जो हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है। अपने हम सफर को शुक्रिया कहें और प्यार के साथ उसकी केयर भी करें। तो दोस्तों, आपकी राशि वालों, आप सभी को हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य ही करें कि आप उन्हें जितना ज्यादा प्यार दिखाएंगे, जितना प्यार बताएंगे तो सृष्ण भाव पर मंगल की दृष्टि आपके प्यार को, आपके प्यार की कदर नहीं होगी। उन्हें 20 अक्टूबर से पहले पहले वो आपके प्यार की कदर नहीं करेंगे, यह चीज भी दिखाई पड़ती है। लेकिन स्थितियां नवंबर में बहुत खास है। नवंबर आपका बहुत सुंदर रहने वाला है और आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां नवंबर में देखी जाएंगी। दिसंबर के महीने में आपके लिए 2 दिसंबर से 28 दिसंबर बहुत ही बेस्ट महीना
दिसंबर का रहेगा, जहां आपको पार्टनर से आर्थिक मदद मिलेगी और लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है आपके लिए। आपकी लव मैरिज के योग विशेष रूप से बन जाएंगे नवंबर के महीने में और उसके बाद में आपके शुभ बुध जो है वह सबसे अधिक मात्रा में आपके लिए 23 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में ऐसा भी दिखाते हैं कि आपकी अगर पार्टनर से बातचीत बंद भी हो गई है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी चले गए थे, ब्रेकअप भी हो गया था, तो पैच अप होने की संभावना दिखाई पड़ती है। पैच अप हो सकता है, बात यहाँ पर हम कर रहे हैं अब नो सिचुएशन की, तो नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके लिए बहुत बेस्ट टाइम रहेगा जैसा कि मैं देख रहा हूँ। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर, उसके बाद में 12 अक्टूबर से 6 नवंबर बहुत ही बेस्ट टाइम रहेगा, जहां आपका फिर से रियूनियन होगा, फिर से मिलन होगा, फिर से पैचअप होगा। अगर बहुत समय से बातचीत नहीं हुई है तो निश्चित रूप से एक बहुत बेस्ट समय आपके लिए रहने वाला है। और अगर आपका पार्टनर वृश्चिक राशि या मीन राशि का है तो जरूर आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए मैरिड लाइफ की स्थिति क्या रहेगी। मैरिड लाइफ के लिए यह पूरे 4 महीनों में आपके लिए बड़ा ही कंफ्यूजन वाला समय रहेगा। आप बहुत डरे रहेंगे, बहुत कंफ्यूज रहेंगे और सबसे ज्यादा बुरा टाइम आपके लिए जो रहने वाला है वह 1 से 18 सितंबर का रहने वाला है, जिसमें आप बहुत परेशान हो सकते हैं। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर थोड़ा सा टाइम ठीक नजर आएगा आपको, लेकिन इसमें भी आपको एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि आपको अपने पार्टनर के लिए खर्चे बहुत करने पड़ेंगे इस समय के दौरान। और 12 अक्टूबर से 6 नवंबर और विशेष रूप से 12 अक्टूबर से 6 नवंबर एक चीज विशेष रूप से दिखाई पड़ती है कि आपके पार्टनर कोई बड़ी गलती कर सकते हैं, उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि भी आप पकड़ सकते हैं, कोई चीटिंग पकड़ सकते हैं, उससे भी आप दोनों के बीच में लड़ाइयां हो सकती हैं। बहुत ज्यादा नेगेटिव माहौल और नेगेटिव माहौल में पॉजिटिव बनने की बनाने की कोशिश दोनों लोग करेंगे। हालांकि कोई ऐसी बुरी घटना या बुरी स्थिति तो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक विशेष रूप से सावधान करने के लिए बोलूंगा कि 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में आप लोग एक दूसरे के साथ में ट्रेवल ना करें, यात्रा ना करें। कोई दुर्घटना के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं तो मैरिड लाइफ में इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और बाकी आपके लिए जो स्थितियां मैरिड लाइफ में खराब बन रही है, खास करके 12 अक्टूबर से 6 नवंबर वह स्थितियां ठीक हो जाएंगी। 6 नवंबर के बाद में आपकी गलतफहमी है जो वह खत्म हो जाएगी और जो भी आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन इत्यादि खराब हो जाएंगे वह चीजें फिर से 6 नवंबर के बाद में ठीक होती हुई नजर आएंगी। और 2 दिसंबर के बाद में आपकी मैरिड लाइफ में कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, हो सकता है संतान प्राप्ति की बड़ी गुड न्यूज आपको मिले। आपके पार्टनर प्रेग्नेंट है, आप यह या आप प्रेगनेंसी के दौर में हैं या आप प्रेग्नेंट हो गए, तो आपको एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। और उसके बाद में फिर हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके लिए 4 महीने बहुत ही बुरे रहने वाले हैं। बस एक टाइम ऐसा रहेगा जिस टाइम पर स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और वो टाइम रहेगा 12 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर का। बाकी ये 4 महीने लगभग आपके बहुत बुरे रहेंगे, जहां कलेश युद्ध बहुत लड़ाइयां बहुत झगड़े होने वाले हैं, जहां आप बहुत परेशान होने वाले हैं। इन 4 महीनों में खर्चे अत्यधिक करवाएगा आपका पार्टनर और सबसे ज्यादा आपका जो बुरा टाइम
एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में रहेगा वो बुरा। टाइम 4 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में रह सकता है, जहां आपके पार्टनर की बदतमीजी आपके साथ बढ़ सकती है बहुत ज्यादा, स्थितियां खराब हो सकती हैं। यह था दोस्तों सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीनों का हाल आपके लिए। ऐसा रहेगा ये साल 2024 के आखिरी 4 महीनों का हाल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब बारी है उन 3 राशियों को बताने कि 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए सभी प्रकार के रिश्ते अच्छे रहेंगे। पहली राशि है स्वयं मेष राशि, दूसरी राशि है सिंह राशि और तीसरी राशि है वृश्चिक राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो आपके लिए हर प्रकार से महीना उत्तम रहने वाला है, यानी कि ये चारों महीने आपके लिए उत्तम रहेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दो, अब बात करते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपको जो है इस राशि के जातकों को लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और संकट हमेशा बने रहते हैं। कौन सी ऐसी आदतें हैं, गलतियां हैं जिसकी वजह से बार बार आपको घाटा मिल रहा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं, बार बार आपका पैसा फंस जा रहा है, काम धंधा भी ठीक से नहीं चल पाता है और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग आपको अक्सर धोखा दे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद कैसा लगता है, फिर उसे पर भी यदि कोई अपना ही धोखा दे जाए तो भी कैसा लगता है, ज्यादा ही बुरा लगता है, मन में एक घाव सा हो जाता है। कोई पराया यदि धोखेबाजी करे तभी तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन यदि कोई अपना ही धोखा दे तो वह सहन करने योग्य नहीं होता। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी गलती है जो हमेशा आप दोहराते रहते हैं। तो सबसे पहली गलती आपकी यह है कि आप अपने आसपास अपने घर परिवार में एक नकारात्मक वातावरण बनाकर रखते हैं और नकारात्मक वातावरण हमेशा नकारात्मक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए हमेशा परेशानी से घिरे रहते हैं या नकारात्मक वातावरण इसलिए तैयार रहता है क्योंकि आपके अंदर क्रोध बहुत अधिक है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्रोध बहुत अधिक आता है, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते, यहाँ तक कि आपके अंदर अहंकार की भावना भी पाई जाती है जो आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। आपके लिए एक नकारात्मक वातावरण तैयार कर देती है, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों हम जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीवन में थोड़ा सा कठिन समय अभी चल रहा है और आप और ज्यादातर समय अपने कार्य क्षेत्र पर ही बिताते हैं, दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और अपने लिए समय निकाल भी नहीं पाते हैं, सुखों का और खुशियों का आनंद अनुभव ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से धीरे 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 आपके अंदर एक क्रोध खिन्न भावना क्रोध का रूप ले लेती है और यह क्रोध आपके अपनों पर ही निकलता है, यानी कि जिन लोगों पर आपको गुस्सा आ रहा है उन पर आपका क्रोध ना निकल कर यह ऐसी जगह निकलता है जहां इसे नहीं निकलना चाहिए, यानी कि आपको अपनों पर और आपके भाई बहनों पर या फिर अपने माता पिता पर या फिर अपने जीवन साथी पर ही क्रोध करने लगते हैं। और यही कारण बनता है जब आपके घर के लोग ही आपके अपने लोग ही आपसे दूर भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे बचने की कोशिश करते हैं, आपसे आपके घर में एक नकारात्मक वातावरण
तैयार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह नकारात्मक वातावरण ही आपको आपकी सफलता प्राप्त करने से रोक रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण खुशियों भरा माहौल, घर जो है वह खुशियों से भरा रहना चाहिए। आपको आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं तो यकीन मानिए, यकीन जानिए, आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी, आपकी सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी हमें तो आपको सुबह हमेशा, जब भी आप सुबह उठे तो सुबह सूर्य देव को अर्घ जरूर देना चाहिए और चांदी की एक अंगूठी धारण करनी है, जिससे आपका चंद्र प्रबल होता है और आपका क्रोध शांत हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और रात्रा को सोते समय आपको अपने सिरने पर एक लोटा जल भरकर अवश्य रखना है, जिससे आपका मंगल भी शांत होगा और आपका बौद्धिक संतुलन भी बना रहेगा। इससे आपके घर में सुख और शांति जो है वो बनी रहेगी और यह जो है आपके आसपास में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करेगा। दोस्तों यकीन जानिए कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे कि किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियों में बुरी तरह से परेशान और ग्रसित रह रहे हैं। लोग आपको बहुत ही परेशान करते हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी आपको ही अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं और आपको अपने घर और अपने जीवन के संपूर्ण वातावरण को बदल कर रख देना होगा। आपको अपने माँ के दुखों को, अपने माँ के कष्टों को किसी से भी बताना नहीं चाहिए, इसे किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करें, लोगों के घर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, उनसे प्रेम पूर्ण बातें करें। लोग आपके नजदीक आते हैं, आपको तरह तरह से खुश करने की कोशिश भी करते हैं और आपको उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। फिर लोग जो है वो आपसे कुछ कार्य कराने के लिए कहते हैं तो आप तुरंत बिना सोचे समझे तैयार भी हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में आपका शोषण हो जाता है, लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। यकीन मानिए कि इसमें बाहर के लोग कम और आपके अपने ही ज्यादा शामिल होते हैं, आपके अपने ही आपको मूर्ख बनाते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं और आपका शोषण करते हैं। आपसे केवल इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपकी जेब में रुपया पैसा होता है। जब आपका रुपया पैसा समाप्त हो जाता है, आप कंगाल हो जाते हैं तो आपसे अपने ही आपके दूरी बना लेते हैं और आप देखते ही रह जाते हैं। आपको इतना बड़ा झटका लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं और आप अंदर से टूट जाते हैं, आपका दिल टूट जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी भी यह भी देखा गया है कि जब आपको आपका बुरा समय आता है, आप कंगाल हो जाते है तो आपका प्रेमी, आपका हमदर्द भी आपका साथ छोड़कर चला जाता है। यह भी आपके लिए बहुत ही बुरा समय होता है, लेकिन रिश्ते नातों के मामलों में आपके जीवन में उथल पुथल हमेशा मची रहती है। आपने जो सोचा नहीं वह वसा अनुभव हो आपको रिश्तों से हमेशा मिलता रहता है और आप इसमें आश्चर्य की बात यह है कि आपसे आपके अपने ही धोखा देने के बाद भी हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि आपके रिश्तों को निभाना नहीं जानते हैं। आपको गुस्सा बहुत अधिक आता है, आप अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप अपने प्रेमियों पर, अपने ही लोगों पर क्रोध करने लगते हैं, लेकिन आप इसे अपना हक समझते
हैं दूसरों पर और दूसरों पर आरोप लगा देते हैं और आपसे दूरी बना लेते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बेहद ही नरम दिल के इंसान हैं। आप किसी को तकलीफ में देख नहीं सकते हैं। जब भी आपको किसी की तकलीफ दुख मिलती है, दुख देखते हैं, तो आप तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं, चाहे वह इंसान आपका अपना ही हो या अपना कोई पराया हो। सबकी मदद करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, कभी कभी तो आपकी क्षमताओं से ज्यादा भी करते हैं। यदि आपका अपना कोई आपसे मदद मांगे तो आधी रात को भी उसकी मदद करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब आपका समय बुरा आता है और आपको जरूरत पड़ती है, तो आप यदि लोगों से मदद लेने की कोशिश करते हैं, रुपए पैसे मांगते हैं, उधार मांगते हैं, तो आपको कोई भी मदद नहीं करता है, ना ही किसी प्रकार से आपकी धन संपत्ति की और भी मदद की जाती है। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है कि जब आप अपना ही दिया हुआ रुपया अपने बुरे समय में लोगों से मांगते हैं, तो लोग आपको अनाप शनाप जवाब देते हैं, बुरा भला कहते हैं, रुपए पैसा तो आपको वापस भी नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त है, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी 1 लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे अच्छे जानकारी लाने के लिए। आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।